ਗਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ MP ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ। संसद के मानसून सैशन के चौथे दिन खेतीबाड़ी के तिना बिलों पर विचार चर्चा जारी रही। इस चर्चा तो बाद लोग सभा में बीते दिन बाकी दो खेतीबाड़ी बिल पास हो गए, जबकि इस तो पहला मंगलवार को एक बिल लोग सभा में पास हो गया। 15 सितंबर तो खेती आर्डीनेंस विरुद्ध पक्का मोर्चा ला के सबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के गृह सामने डटे हुए भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह के वर्करा चो एक किसान वालों बीते दिन ही जहरीली दवाई निगल ली गई थी, जिसकी मैक्स अस्पताल बठिंडा विखे मौत हो गई। पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस पंजाब भी अपना भयानक रूप दिखा रहा है। एक पास जिथे कोरोना पीड़ितों में वाधा हो रहा है, उत्थे ही वड्डी गिणती में कोरोना के कारण इलाज अधीन चल रहे मरीज कोरोना खिलाफ़ जंग लड़ते हुए मौत के मुँह में जा रहे हैं। अमृतसर जिले में भयानक रूप विख्या है, कोरोना का 409 मामलों की पुष्टि हुई है और 5 की मौत हो गई है। पंजाब भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा का कहना है कि पंजाब सरकार अपनी नलायकी और होर मुद्दों को ध्यान भड़काने लिए खेती आर्डीनेंस के मुद्दे को तूल दे रही है। शर्मा के मुताबिक खेती आर्डीनेंस देश के किसानों के हित में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पर सफाई दे चुके हैं। इस दे नाल ही पंजाब अकाली दल नाल गठजोड़ से बोलदिया भाजपा प्रधान ने कहा कि अकाली दल खुद आख चुका है कि वह NDA का हिस्सा है, फिर इस पर कुछ कहने बाकी नहीं रह जाता। केंद्रीय कैबिनेट चो हरसिमरत कौर बादल वालों अस्तीफा देने तो बाद सियासत पक गई थी। हरसिमरत कौर बादल ने अस्तीफा देने बाद वड्डा बयान दिता है। उन्होंने कहा कि अपनी ही सरकार ने खेती आर्डीनेंसा से मनाने असफल रही है। एक निजी चैनल में हरसिमरत कौर बादल ने दसा कि सरकार आर्डीनेंसा तय करने तो पहला किसानों सुनवाई देवे। केंद्र के खेती आर्डीनेंसा जिथे पूरे देश का पारा वधाया हुआ है, उत्थे देश भर के किसान सड़कों पर उतर आए हैं। इस सारे घटनाक्रम से चुपतारी बैठे नवजोत सिंह सिद्धू भी आखिर बोल ही पेने। हुण जदों अकाली दल ने भी अपना स्टैंड स्पष्ट करते हुए हरसिमरत कौर बादल का भी केंद्रीय बिजली तो अस्तीफा दवा लिया है। इस आर्डीनेंस के पास होने तो बाद नवजोत सिद्धू ने भी सरकार से दावा बोल दिता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 पावन स्वरूपां संबंधी बीते दिन श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान समेत कार्यकारिणी कमेटी को धार्मिक सज़ा सुनाई गई। हरसिमरत कौर बादल वालों केंद्रीय कैबिनेट उच्चों दिए गए अस्तीफे को राज्यसभा मैंबर सुखदेव सिंह ढींसा ने ड्रामा करा दिता है। बीबी बादल के अस्तीफे से तंग कसते हुए ढींसा ने कहा कि चीची से खून लगा के कोई शहीद नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि अकाली दल पहला जिसनों डिफेंड करता रहा वो आर्डीनेंस हैं, होर तो कोई भी आर्डीनेंस नहीं है।